तो ये हम लोग का सौभाग्य है कि हर क्षेत्र में काम हो रहा है बलिया में। बलिया में विकास का बहुत काम आगे बढ़ा है और मैं कह सकता हूँ पूर्वांचल की सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लॉन्चिंग 1 मई 2016 को आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी बलिया जाकर की, ये हमारा सौभाग्य है। उन्नीस के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में यूपी को राजनीति का गढ़ माना जाता है। आज हमारे बीच बलिया के सांसद भरत सिंह जी मौजूद हैं। भरत सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको मिस स्वामी पटनायक जी, ये बलिया हिंदुस्तान का बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है। आज़ादी की लड़ाई में बलिया सबसे पहले आज़ाद हुआ। हिंदुस्तान के इतिहास में, आज़ादी के इतिहास में बलिया मेदिनीपुर सतारा के नाम स्वर्ण में अंकित है। बलिया से लोकनायक जयप्रकाश ने बलिया को बिलोंग करते थे। 1942 में सबसे पहले बलिया आज़ाद हुआ और मंगल पांडे भी बलिया के ही थे जिन्होंने सबसे पहले 1857 में क्रांति का बिगुल फूका था। तो हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसे बलिया को बिलोंग करते हैं, जहाँ डॉक्टर हरिहरी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार और विद्वान थे, उसी बलिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि बलिया की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। और 2019 की बात आप कर रही हैं तो देखिए, ये जो अभी आगे जो चुनाव आएगा ये उपचुनाव नहीं है। ये पिछले दिनों आप चर्चा कर रही थी, अभी तो आपने पार्लियामेंट में देखा होगा मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस के लोगों ने जो सभी लोग मिलकर के अविश्वास प्रस्ताव लाए थे उसको ठुकराने का काम किया। और इसलिए हम लोगों को भरोसा है कि हम चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी और इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग 2019 का इंतजार कर रहे हैं। जब भरत सिंह जी बलिया से चंद्रशेखर जी सांसद रहे हैं और प्रधानमंत्री भी देश के रहे हैं, तो इसके बावजूद भी आज़ादी के इतने साल बाद भी बलिया में कोई सुधार नहीं आ पाया, ऐसा क्यों? तो बलिया में बहुत सुधार आया है। बलिया में हर क्षेत्र में बलिया का आप देखिए, बलिया का नौजवान हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में बलिया के लोग आ गए। कोई ऐसा प्रदेश का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ बलिया के लोग हर चीज़ में, हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में बलिया के लोग आ गए हैं। ये बलिया की मिट्टी, ये मिट्टी की महानता है। हर क्षेत्र में, चाहे वैज्ञानिक हो, इंजीनियर हो, सेना हो, हर जगह बलिया के लोग आ गए हैं। ये तो वो बलिया की जागरूकता में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय चंद्रशेखर जी, लोकनायक जयप्रकाश जी, इतने बड़े बड़े महापुरुष बलिया में पैदा हुए हैं। इसलिए हमको तो गर्व है इस बात का कि हम उस बलिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट के अंदर। तो इसलिए 2019 को लेकर हम लोग चिंतित नहीं हैं। 2019 आदरणीय दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जाना है। और ये चुनाव नहीं है, ये तो मोदी जी के ही नेतृत्व में हम लोग लड़े। और इसलिए हम लोग को इसकी कोई चिंता नहीं है, आगे भी जो चुनाव होगा मोदी जी के नेतृत्व में ही होना है। भरत जी, बलिया में आप कह रहे हैं कि विकास के कई कार्य हुए हैं, लेकिन बलिया में जो गंगा नदी या घाघरा नदी है वो हमेशा उफान पर रहती है, बारिश के समय कई घर डूबते हैं, मुआवजे का ऐलान भी किया जाता है, लेकिन इस ये जो समस्या है ये कब तक दूर होगी? देखिए ऐसा है, जहाँ नदी है, गंगा नदी है, घाघरा नदी है, तो गंगा नदी तो इतनी पूरे दुनिया की सबसे पवित्र नदी का नाम है गंगा नदी। और इसलिए हम लोग का सौभाग्य है कि बलिया होकर के गंगा नदी जाती बहती हैं। और इसलिए अब गंगा जी के किनारे
जो गांव है वहाँ कटान है, वहाँ कटान रोधी काम भी हो रहा है, अभी भी कटान रोधी बहुत काम हो रहा है। लोक न्याय जय प्रकाश की धरती सिताबद्यारा में हो रहा है, यहाँ केहरपुर केहरपुर में हो रहा है, तमाम गाँव में हो रहा है। हमारे लोकसभा क्षेत्र में शेरपुर सिमरा गांव है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गांव, उस गांव में हो रहा है। तो कटान रोधी काम तो होते ही हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बढ़िया से मजबूती से ये काम हो। और गंगा नदी के किनारे मंझौवा पचरुखिया जैसे गांव है, उन गांव के किनारे किला बन गया। गंगा नदी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पीछे हट गई। तो इसलिए अभी जहाँ और बाढ़ के दिनों में बरसात के दिनों में पानी भी होगा, नदी में उफान भी आएगा, तो थोड़ा बहुत कटान तो होगा ही, लेकिन हम लोग इसके लिए कोई विकल्प किया जा रहा है। निश्चित रूप से इसके लिए आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इसके लिए समाधान होगा। आगे हम लोग चाहते हैं कि एक परमानेंट सोल्यूशन हो, तो इसमें टाइम लगेगा। भरत जी, अपने ये 4.5 साल में आपने बलिया के लिए ऐसा क्या किया है जो आपको लगता है कि यहाँ के लोग आपको फिर एक बार सांसद बनाएंगे? देखिए सबसे बड़ी हम तो एक चीज़ बता दें, बलिया मेरा सौभाग्य है, बलिया लोकसभा बलिया को रिप्रेजेंट करते हुए इस कॉन्फिडेंस से कहता हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर मैंने 100% उपस्थिति दर्ज कराया है जी। और बलिया के तमाम मुद्दों को आगे उठाया है। बलिया से ट्रेनें नहीं थी, आज हम 3-3 ट्रेनें बलिया से चली है। ट्रेनें ही नहीं चली है, तमाम सड़कें बलिया को सुधारने के लिए, बलिया में जनता की कष्ट को दूर करने के लिए सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। और ये बलिया में जाम से मुक्ति के लिए फ्लाई ओवर बनने जा रहे हैं, मतलब हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाई ओवर बलिया में 4 किलोमीटर लंबा फ्लाई ओवर बनने जा रहा है जी। उसका सब चीज़ रेडी है, हम समझते हैं कि 1-2 महीने के अंदर वो काम चालू हो जाएगा। तो हर क्षेत्र में हम लोग काम किए हैं, सर्व सुलभ है, हम रात दिन बलिया में ही रहते हैं, काम करते हैं, इस नाते हम लोग जनता से मिलजुल कर रहते हैं। और 4 वर्षों के अंदर हर क्षेत्र में काम आओ, वो काफ़ी आपको अभी हमारे 4 साल की जो उपलब्धि है वो बुकलेट भी बनाए हैं। बिजली के क्षेत्र में काफ़ी अधिक बिजली के क्षेत्र में काम हुआ, सड़क के क्षेत्र में काम हुआ, चिकित्सा के क्षेत्र में काम हुआ, हो रहा है। अभी तो हमारा ये है कि बलिया में मेडिकल कॉलेज भी बहुत जल्दी, हम लोगों को भरोसा है कि मेडिकल कॉलेज भी बलिया में खुलेगा। अभी तो हम लोग पास 6-8 महीना समय है और मेडिकल कॉलेज ही नहीं बनेगा, सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। और हम और भी क्षेत्रों में हमने सुधार कराया है। आपने ये भी बयान दिया था कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो है वो ईसाई मिशनरीज के इशारों पर काम करती है। बिल्कुल, तो आज भी मैं उस बात पर कायम हूँ। देखिए, इस देश में ईसाई मिशनरी के ही इशारे पर इस देश में कांग्रेस के लोग चलते हैं जी। और पिछले दिनों आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत अधिक ईसाई मिशनरी तो बहुत पावरफुल है जी। पूरे विश्व में उनका, तो इसलिए ईसाई मिशनरी हम देखिए, आप बलिया पर बात कर रही हैं, हम ईसाई मिशनरी पर, मैं आपको जो बात तुमने कहा है उस पर कायम हूँ। ईसाई मिशनरी पूरे अपने नेटवर्क फैला करके और धर्म परिवर्तन कराने के काम करती है, हम लोग उसके मुखालफत करते हैं। हर भाई हिंदू सिख ईसाई मुस्लिम सबको हक है, सबको सब लोग मिलजुल कर रहे, ये हिस्सा हम लोग चाहते हैं। लेकिन जो लोग मतलब पैसे के बल पर, ताकत के बल पर धर्म परिवर्तन करना चाहेंगे, उसका हम लोग मुखालफत करते हैं। और जहाँ 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 ईसाई मसली का प्रभुत्व हुआ, वहाँ वहाँ देश विरोधी आवाज़ उठती है। अब तो आप दिखाई पूर्वोत्तर भारत में, अब तो मोदी जी के नेतृत्व में हर जगह भाजपा का परचम लहराया है। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास रखा था, तो इस पर जो है लखनऊ और गाजीपुर को ये जोड़ता है, लेकिन सपा के दौरान ये योजना बनाई गई थी कि ये बलिया से जोड़ा जाएगा, तो आपके राज्य में ये आपने कोई कोशिश नहीं की? नहीं नहीं, हमने कोई ऐसा है, देखिए ये समाजवादी पार्टी की हुकूमत में इसका DPR वगैरह बन गया था। हम लोग लगातार बलिया तो हिंदुस्तान का सबसे महत्वपूर्ण जिला है, पूर्वांचल का सबसे महत्वपूर्ण इलाका है, और इसलिए इसके लिए अभी जोगी जी ने उस दिन 14 जुलाई को कहा भी कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को बलिया तक आगे बढ़ाया जाएगा, और ये UDPR जो पहले से बना हुआ था उसको लेकर शिलान्यास हुआ, और तो बलिया ही नहीं पटना तक जाएगा। तो हमको भरोसा है कि आदरणीय मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री पूजनीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो उन्होंने जोगी जी ने कहा है उस पर मुझे पूरा भरोसा है, और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को बलिया से जुड़ जाएगा। अभी जो जा रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भरौली तक जा रहा है, और भरौली से आगे ये जो हमारी 4 लेन सड़क जा रही है उससे हम लोग जुड़ जाएंगे। तो भरत जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि केंद्र मंत्री मनोज सिन्हा जी है जो गाजीपुर से हैं और उनका औहदा भी बड़ा है, क्या यह कारण रहा होगा कि सिर्फ इसी वजह से ये बलिया से छीन कर गाजीपुर को दे दिया गया? नहीं नहीं, ये पूर्वांचल एक्सप्रेस उसी तरफ से आ रहा है जी। हाँ, तो बलिया तक आ ही रहा है, भरौली तक आ रहा है, और भरौली में इधर सड़क ही है, 4 लेन सड़क ही है, मतलब बन रही है सड़क, हो जाएगी। तो सर, ये बात भी उठ रही है कि आने वाले लोकसभा चुनाव जो 2019 को होने वाले हैं उसके पहले BJP 30 सांसदों को की टिकट काट सकती है, तो क्या आपको भी ये डर है कि आपकी टिकट कट सकती है? देखिए, हम लोग टिकट वोट की चिंता नहीं करते, हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग को पार्टी पर भरोसा है, पार्टी जिसको उचित समझेगी उसको लड़ाएगी, हम तो मतलब काम कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। मैं ये बनारस हिंदू विद्यालय में जनरल सेक्रेटरी था, BHU में प्रेसिडेंट रहा, लोक न्याय जयप्रकाश की अगुवाई में 19 महीना हमेशा में भी रहे हैं, तो हम लोग संघर्ष पर विश्वास करते हैं, हम लोग संघ के संसेवक है, इसलिए हमको कुर्सी की चिंता नहीं है, हम लोग काम में भरोसा करते हैं, पार्टी नेतृत्व जो उचित होगा वो वैसा करेगा, हमको पार्टी नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। तो इस बार अगर आपको टिकट मिल जाती है तो क्या आपको लगता है कि ये मुकाबला आपके लिए आसान होगा? 2014 से भी प्रचंड बहुमत से हम लोग पार्लियामेंट में पहुंचेंगे, इतना हमको भरोसा है, जनता पर भरोसा है। अगर मान लीजिए कि आपको टिकट इस बार नहीं मिलती तो क्या आप किसी और पार्टियों के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं? नहीं नहीं, हम लोग देखिए संघ के संसेवक हैं, हमको मोदी जी पर भरोसा है, आदरणीय अमित शाह जी पर भरोसा है, यही लोग जो भी करेंगे उचित करेंगे, और इसलिए उसमें इसलिए इसको हम लोग कुर्सी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग संघ के संसेवक हैं। तो अगर 2019 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें सपा बसपा और कांग्रेस मिलकर लड़ती है तो आप और आपकी BJP सरकार इसका कैसे मुकाबला करेंगे? देखिए, ये सपा बसपा इन लोग कहीं अता पता नहीं चलेगा, और बलिया में तो ये कहीं नहीं है, न बसपा है न बलिया में तो हम लोग, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में मोदी जी के, देखिए ये उपचुनाव नहीं है, मोदी जी के नेतृत्व में कोई विकल्प नहीं है, मोदी जी का इनके पास कोई नेता नहीं है, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं है, विपक्ष के पास प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है, तो जनता मोदी जी को न चुनेगी? अब ये मतलब ये पुनरावृत्ति नहीं होगी, कितने कई नेता आए या चले गए, इसलिए देश की जनता मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम हुआ है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से लेकर प्रधानमंत्री ये जनधन योजना, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आवास, ऐसा काम हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कोई प्रधानमंत्री बना ही नहीं कि एक एक गरीब के घर में ये उज्ज्वला गैस सिलेंडर दिया गया, एक एक गरीब को प्रधानमंत्री आवास दिया जा रहा है बिना किसी घुस रिश्वत, डायरेक्ट उसके अकाउंट में जा रहा पैसा, विद्युतीकरण इतना हो रहा है, इतना बड़ा काम हो रहा है, और ये अब तो
प्रधानमंत्री की तरफ से ये व्यवस्था हो रही है, प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से, कि एक गरीब को उसकी गंभीर बीमारी होगी तो 5 लाख रुपये तक का हॉस्पिटल में उपचार होगा फ्री में। भरत जी, आप काफ़ी समय से विधायक रहे, फिर सांसद रहे, तो तब के और अब के जो कार्यशैली, उसमें क्या फ़र्क हुआ? बहुत, देखिए मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्यशैली चल रही है, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में कार्यशैली है, ये बहुत ही बेहतर कार्यशैली है। और इसलिए हम लोगों को तो सौभाग्य है कि मोदी जी के साथ काम करने का मौका मिला, ये बहुत अच्छा है। ऐसा हम लोगों को चांस नहीं मिला था इतना प्रधानमंत्री के साथ जुड़कर काम करने का। अभी तो हम लोग हमारे क्षेत्र में, हम सांसद थे, मेरे क्षेत्र में लगभग आधा दर्जन से अधिक मंत्री गए, प्रधानमंत्री मोदी जी गए, माननीय श्री नितिन गडकरी जी गए, माननीय श्री सुरेश प्रभु जी गए, माननीय श्री पीयूष गोयल जी गए, माननीय गृह मंत्री जी गए, माननीय थावरचंद गहलोत जी गए, माननीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह गए, गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह गए। तो इतने मंत्री हमारे क्षेत्र में गए हैं और जो गए हैं काम किए हैं, कुछ ना कुछ देखा है। और हमारे रेल राज्य मंत्री माननीय श्री मनोज सिन्हा जी तो मेरे पड़ोसी हैं, वो तो बराबर जाते रहते हैं इसलिए। और डबलीकरण हो गया, बलिया बनारस से बलिया के लिए बिजली की ट्रेनें चालू हो गई जी। इतना अच्छा ये काम हो रहा है तो हम लोग सौभाग्यशाली है। तो भरत सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश और बलिया के लिए आप ऐसे ही काम करते रहे, आने वाले चुनाव के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। न्यूज़ टाइम्स इंडिया के साथ बात करने के लिए धन्यवाद।